हेलो क्लासेस बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो क्लास हुई थी उस क्लास में क्या कवर किया था उसका आप लोगों को शायद आइडिया होगा। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं टोटल और 6 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आप लोगों को अब इसके आगे का जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसा आप लोगों को सामने दिख रहा होगा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। अभी हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि परसेंटेज जब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट पर, जो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो उससे हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, कब ज्यादा पे करेंगे कब कम पे करेंगे। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आप लोग पेज नंबर 121 निकाल लीजिएगा एनसीईआरटी का, ठीक है, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, हमें परसेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए उन्होंने आपसे कहा 25% ऑफ ऑन मार्क्ड प्राइस। सबसे पहले तो ये समझो व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। देखो बेटा, जो मार्क प्राइस होता है वो कहलाता है एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो एमआरपी होता है, ठीक है, वो हर एक ऑब्जेक्ट पे लिखा होता है। इसी ऑब्जेक्ट के जो रेट चार्ज के अकॉर्डिंग शॉपकीपर आपको या तो वो एमआरपी ले सकता है, एमआरपी से ज्यादा वो नहीं ले सकता है। ठीक है, ये इलीगल है। ठीक है, लेकिन रेट कभी कभी बढ़ सकते हैं अगर उसने मेंशन किया है, लिखा है, तो जैसे कभी कभी पीक प्राइसिंग हो जाती है। तो 25% ऑफ यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट 100 रुपए का है, अगर उसका जो एमआरपी है वो 100 रुपए है, समझना, और उसने उसमें से 25%, तो 100 रुपए का 25% कितना होगा, मैंने इसीलिए 100 लिया है ताकि आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सके, 25 रुपीज ऑफ हो जाते हैं, तो वो उसको ऑब्जेक्ट पड़ेगा 75 रुपीज का। यानी कि अब आपको दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, 25 रुपए कम देने हैं क्योंकि वो तो ऑफ है, वो डिस्काउंट है आपका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? अब अगले में देखिए, 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब हुआ ये कि अभी हम यहां भी 100 लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए इस समय चल रहा है। अब उनने कहा 10% हाइक हो गया, तो 100 का 10% क्या है ये? तो जब कभी हाइक होता है तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और अगर ऑफ होता है तो हमें उसमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये बात समझ में आ गई, हाइक क्या है? ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहां आपका जो पेट्रोल अब आपको पे करना होगा वो 110 रुपए पे करना होगा। यहां तक आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज दिस लास्ट ईयर। ठीक है, ओके, तो आप यहां पे लिखिए गिवन लास्ट ईयर का जो प्राइस है वो कितना है, लास्ट ईयर का जो प्राइस है आपका वो था ₹34,000। अब हुआ इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। ठीक है, दिस ईयर जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है, 20%। तो आपको क्या करना है, करेंट प्राइस बताना है। तो आप क्या करोगे, 20% ऑफ, 20% निकालिए किसका, ऑफ 34,000। 34,000 का 20% निकालिए कितना हो रहा है, 34,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये ऑफ हटके यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया, यानी मल्टीप्लाई का साइन। तो आप इसका करेंगे 20 बाय 100, एक जीरो से ये गया, इस जीरो से ये गया,
34 कितना हो जाएगा 6800। तो 6800 रुपए उसका क्या हुआ, प्राइस में हाइक हुआ, कितना हुआ, हाइक हुआ या फिर इंक्रीज हुआ, आपको इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। ओके, नाउ करेंट प्राइस कितना होगा, सो करेंट प्राइस कितना होगा, करेंट प्राइस क्या होगा, लास्ट ईयर का जो प्राइस था वो था 34,000 और हाइक उसका कितना हुआ, जो हाइक हुआ है वो कितना हो रहा है, वो निकालने के लिए आपने वैल्यू निकाली 6800, ऐड कर दीजिए 800, यहाँ पे 6 4 10 और 40,800 रुपए का उसका इस बार का जो प्राइस है वो होगा 40,800, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो 40,800 उसको इस समय का क्या मिला, प्राइस हो जाएगा। बट देखो आपको यहाँ एक चीज और समझनी है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल जो उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, अब उसकी कॉस्ट कितनी है, ये है, ठीक है, कितना 40,800, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले वाले उस पे आते हैं, अगले लॉजिक पे, ठीक है। अब यहां देखो एक तरीका और है इस चीज को करने का, जो उन्होंने ये सुनीता वाला तरीका है ये भी मैं आप लोगों को समझाया। देखो सुनीता क्या कर रही है, इस लॉजिक को समझिए, सुनीता ने क्या किया कि उसने परसेंटेज को ही तोड़ मरोड़ के हल्के से एक नए पैटर्न में ले आई है। देखो बेटा यहाँ ध्यान देना, आपके पास था 34,000 रुपीज, ये उसका 100% प्राइस था, कितना था, 100% प्राइस था सुनीता का, जो उसको पे करना था लास्ट ईयर उसने पे किया, क्लियर है। यहाँ अब हुआ ये कि 20% और बढ़ गया ना, 20% और बढ़ गया, तो टोटल परसेंटेज कितना हुआ आपका, 120%। अब एक बात बताओ, इस साल अगर हम लोग वही सेम स्कूटर परचेज करने जाएंगे तो हमें इसका यानी कि जो एक्चुअल प्राइस था, ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस था उसका कितना चाहिए होगा, एक्चुअल प्राइस होगा हमारा कितना, 34,000 का 120% होगा, इसमें आपको अलग से 20% निकाल के उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओवरऑल देखो ना कि आपने देखो पहले इतना था 20% हाइक हो गया तो अब हमारे ऊपर टोटल तो 120% आपको पे करना पड़ेगा। बस इससे आप इसको ऐसे वो करिए, सॉल्व कीजिए और इसे मल्टीप्लाई, तो 12 4 48, 2 0 आपके ये दोनों हो गए, ठीक है, 4 कैरी, 12 3 36 और 4 40। तो इस बेस पे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं परसेंटेज के बेस पे, इज दैट क्लियर, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो इसे मैं थोड़ा सा ना आपको एक एक वर्ड में और बता देता हूं, इमेजिन कीजिए इस साल आपने 100 रुपए खर्च किए, अगली साल मैंने कहा 5% बढ़ गया, तो अगली साल आप कितने में खरीदोगे भाई, 100 तो ये खरीदने ही पड़ेंगे, और 100 का 5% 5 रुपए होगा तो वो आपका टोटल 1 से 5 हो जाएगा, तो आपको जो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा उसे आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि यार पिछली बार और इस बार का जो हमें निकालना है उसमें 105% निकालना है, बस 5% अलग से निकाल के ऐड कीजिए या 100 + 5 टोटल 105 या 105% पे निकाल लीजिए, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते, और वो आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहा कि एक दूसरा केस देखो, एनसीईआरटी भी ना घुमा फिरा के सारी चीजें आपसे करवा ही लेती है, ठीक है। अब देखो वो क्या कर रही है, उसमें क्या किया गया है, अब उस बारे में ध्यान से समझते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल प्राइस था, आप लोग बैठ जाइए बेंच लेके, जो एक्चुअल प्राइस था अब इस साल उसमें डिक्रीज किया 5% का, तो आप क्या करेंगे, देखो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, आपको क्या हुआ, डिक्रीज अगर आपको करना है तो डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज हुआ 5%, यानी जो एक्चुअल जो आप जो आपका स्कूटर सेल होगा वो
100 माइनस 5 यानी कि 95% पे सेल होगा। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो तरीका लगाया था वो क्या लगाया था कि इसका 34,000 का आप कितना निकाल दो, 95% निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं 95% निकाल दीजिए, तो आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना अमाउंट अब पे करना होगा अगर कंपनी ने आपको 5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, आप इसको भी मल्टीप्लाई करके 220 हटा दीजिए, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना, सीधे सीधे 34 को 95 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 5 चौके 20, 2 5 की 15, 16 17, 9 चौके 36, 3 और 9 3 27, 28 29 30 हो गया। 9 0 6 6 12 13, 2 और 3, यानी कि आपका ये आ गया 3230 और एक ये वाला 0, इतने रुपए। ठीक है, तो ये हमने लॉजिक लगा लिया, दिखाने बैठो, ये हमने लॉजिक लगाया। ठीक है, अच्छा ये वो तरीका है कि अगर आपको लॉस होता है 5% का तो उसको रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, ये अगर मेथड आपको समझ में आ गया तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगा आपका, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ऑन द अदर हैंड ये आप ऐसे समझ लो कि ये सेकंड मेथड, ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको पहले वाले तरीके से करते हैं जो नॉर्मल है वो क्या है, तो देखो एक्चुअल जो प्राइस है वो आपका हो गया 34, हो गया 5% आप उसका अलग से निकालो तो 34 का 5% आपने निकाला वो आ गया 1700 रुपये आ गया। अब आपको 5% का उसने डिस्काउंट दिया है तो ये 1700 रुपये देने थोड़ी है, तो जो एक्चुअल उसका प्राइस था उसमें से ओल्ड प्राइस से 1700 रुपये हटा दीजिए जो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो रिडक्शन हुआ जो लॉस हुआ वो आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर समझ में आ गया, तो ये जो इलस्ट्रेशन दिया था आपके एनसीईआरटी बुक ने, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। चलो भाई देखो, एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे अक्षरों में लिख रखा है, आप लोग मॉल वॉल जाते होंगे है ना, आप लोग मॉल जाते होंगे तो मॉल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है डिस्काउंट डिस्काउंट, 5% ऑफ, 10% ऑफ, 25% ऑफ। अरे भाई वो डिस्काउंट ही होता है, वो बात अलग है कि वो लोग ये डिस्काउंट लगा के भी आपसे बहुत कुछ कमा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी उनकी अपनी एक तरीका होता है, उनके अपने प्रोसीजर होते हैं। देखो सबसे पहले तो समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। आप इतना समझ लो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को 100 रुपए में लेना है और मैंने उसमें कह दिया कि भाई एक काम करो आप 90 रुपए दे दो, तो 10 रुपए मैंने छोड़ दिया आपके, तो 10 रुपए का मैंने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब वो 10 रुपए टोटल कॉस्ट का कितने परसेंट है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो वो आसान है, जैसे 100 का 10% सीधा 10% हो जाएगा, 100 का जो 10 अमाउंट होगा वो 10% होगा, तो इस तरीके से तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो मार्क्ड प्राइस है एमपी, ठीक है, और डिस्काउंट वो पैसा होता है जो मार्क्ड प्राइस से कम होता है, जो कम करना पड़ता है। बेटे बात नहीं करिए आप लोग, शोर मत करो। ठीक है, सो डिस्काउंट आपका होगा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट आपका होता है मार्क प्राइस यानी एमपी माइनस सेल प्राइस जिस अमाउंट पे आपको ऑब्जेक्ट दिया है। ये लाइन शायद समझ में नहीं आई होगी, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई हुआ ये कि अंकिता एक शॉप पे जाती है और उसने क्या किया, 5,000 का एक सुंदर सा ड्रेस देखा। ठीक है, अब भाई सुंदर सा ड्रेस था, उसका मन में आ गया कि मुझे लेना है, लेकिन हुआ ये कि उसकी मम्मी जो संग में गई थी, मम्मी ने कहा कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 4,500। वैसे मॉल में ऐसा होता नहीं है, बार्गेनिंग थोड़ी होती है मॉल में, तो टैग लगे होते हैं, बट कोई बात नहीं, दुकानदार जान पहचान का निकला, अपने वही पंकज मिश्रा निकले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उनसे कहा चलो यार कोई बात नहीं, घर की बात है, इनको 4,500 रुपये में दे दो। अंकिता बड़ी खुश हुई, 5,000 की ड्रेस अंकिता 4,500 में ले आई। अब देखो वो बाहर निकल के क्या बोलेगी, अपनी जैसी सहेलियों के पास पहुंचेगी तो सीधा बोलेगी कि भाई हमने क्या किया, मैं गई शॉप पे और एक ड्रेस थी बड़ी सुंदर सी 5,000 की,
मैं उसको 4,500 रुपए में लेके आ गई। तो 5,000 में से वो 4,500 रुपए हटाएगी तो कितना बचेगा 500। यानी वो ये भी बोल सकती है कि 5,000 की ड्रेस को वो 4,500 यानी 4,500 में ले आई है। एक तो वो स्टेटमेंट दे सकती है, दूसरा वो स्टेटमेंट ये दे सकती है क्यों वो अपने एक्चुअल रेट बताए। वैसे भी लड़कियां जो कपड़े खरीदती हैं वो कौन सा सच बता देती हैं कि वो कितने की ड्रेस आई है, कितने की क्या आई है ना। तो सीधा सीधा वो ये बोलेगी कि भाई 500 रुपए का डिस्काउंट मारा है आज मैंने, आज का पिज्जा खाते हैं बढ़िया मस्त चल गया, इसकी पार्टी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है डिस्काउंट। तो अब आप लोगों को डिस्काउंट अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू और करने की कोशिश करते हैं, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वास्तव में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद देखो क्या दिख रहा है। क्वेश्चन है आपका कि एक आइटम है जो 840 यानी कि 840 रुपीज में आपको क्या हुआ, 840 रुपीज का उसका मार्क प्राइस था, नोट था। तो आप क्या लिखेंगे, एम पी कितना है, 840 रुपीज मार्क प्राइस हो गया 840 रुपीज, और सेल प्राइस जो उसका हो गया, सेल प्राइस उसका हो गया 714, हुआ कितना, हुआ 714 रुपीज। तो अब आपको निकालना है कि इसको डिस्काउंट कितने का मिला। तो आपको पता ही है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस या फिर एसपी लिख लीजिए। तो आपका ये हो गया 840 माइनस 714, सब्ट्रैक्ट कीजिए 622, यानी कि उसको जो टोटल वो हुआ 126 रुपए का, 126 रुपीज का उसको क्या हुआ। तो वो तो बड़ी खुश हुई कि चलो भाई अब हमें क्या हुआ, 126 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। बट हुआ ये कि व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट तो समझ में आ गया ना कि मार्क प्राइस से सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया तो जो भी बचेगा वो डिस्काउंट रहेगा। अब अगर आपको निकालना है परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो सीधा सीधा सा है, जितना आया डिस्काउंट और जितना था उसका एमपी जो एक्चुअल प्राइस उसका था 840, उसको कर दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो चला गया और इसको इससे कट किया। चलो भाई कट करते हैं, पहले तो 2 से करके देखेंगे, ये आ गया। अब देखो क्या और कट रहा है, ये 42, 7 9 63 और 7 6 42, फिर इसको कट किया, 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है। अब इससे 2 से इसको कट कर दिया, सो 2 5 10 2 1 2, यानी कि आपका आ गया 5 और 3, तो 3 × 5 यानी कि ओवरऑल आप क्या बोलेंगे, 15% उसका क्या होगा, 15% उसका डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो अब आपको इससे समझ में आ गया मार्क प्राइस जो उसका एक्चुअल प्राइस है और जिस पे आप उस ऑब्जेक्ट को सेल किया गया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका एमपी निकाल सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन और चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक ट्राई दीज है, आपको पता ही है कि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि ट्राई दीज आप लोगों को दे देता हूँ कि कर लेना ताकि उसको अगले दिन हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो बस एक आखिरी क्वेश्चन और इसको कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो क्या हुआ, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक। वाह, लड़कों के कपड़ों का कोई नहीं क्वेश्चन मिलता है, बस सारे के सारे ना ऐसे मिल जाते हैं, फ्रॉक हो गया और ये सब हो गए, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए देखिए समझते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। रीड कीजिए इसको जल्दी से, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक 220, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। 20% का उस पे क्या किया गया है, डिस्काउंट अनाउंस किया गया है। अब 20% का डिस्काउंट है जो अनाउंस हुआ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस, ठीक है। अब उसको वो ऑब्जेक्ट कितने का करना होगा। देखो लिस्ट प्राइस ये आप समझ लीजिए, उसका जो एमआरपी है या मार्क प्राइस है वो हो गया 220 रुपीज,
20% का उसको डिस्काउंट मिला, तो आप क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑफ एमपी, ठीक है, टोटल उसको कितना मिला, ऑफ भी क्या डिस्काउंट ऑन एमपी मार्क प्राइस में, तो वो आ गया उसका 20%। तो आप डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट आपने निकाला 220 का 20% डिस्काउंट निकाल दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, क्या आ गया आपका 44 रुपीज हो गया ना। तो 44 रुपीज का उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो उन्होंने कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑन ऑफ डिस्काउंट, तो सीधा आ गया आपका इतना। अब आपको निकालना है सेल प्राइस, तो सेल प्राइस निकालने के लिए आप कितना करेंगे, 220 में से डिस्काउंट को हटा दीजिए 44, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 में, तो देखो 220 से 4 हटाइए तो यहां पे आएगा ये 6, ये 5, 7, 12 और 1, टोटल आपका आएगा 176 रुपीज, जिसमें अब आपको वो फ्रॉक परचेज करनी है। भाई मन हो तो फ्रॉक परचेज करना, नहीं तो भाई इतने में अपने लिए कुछ और परचेज कर लेना, आइसक्रीम आइसक्रीम खा लेना, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे आ जाता है ट्राई दीज, एनसीईआरटी कहती है ट्राई दीज, तो ये तो आपको ट्राई करना है, मुझे तो करना नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा, हम आपके साथ इसको ट्राई कर लेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम आगे के जो ट्राई दीज है और ये बताएंगे, एंड एस्टिमेशन भी जो प्राइस का है, बाकी की चीजें हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।